लखनऊ में पबजी ना खेलने देने से नाराज 16 साल के बेटे ने अपनी मां को गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद मां के शव के साथ 3 दिन तक घर में रहा, तो वहीं 10 साल की छोटी बहन को भी धमकाकर घर से बाहर जाने से रोक रखा। शव सड़ने से बदबू फैली तो सेना में खुद अधिकारी पिता को फोन करके बताया कि मां की हत्या कर दी है। पिता की जानकारी पर मंगलवार रात पुलिस ने शव को घर से बाहर निकाला। मूल रूप से वाराणसी के रहने वाले नवीन कुमार सिंह सेना में जूनियर ऑफिसर है। की पोस्टिंग पश्चिम बंगाल में है। वहीं लखनऊ के पीजीआई इलाके में यमुनापुरम कॉलोनी में उनका मकान है। यहां उनकी पत्नी साधना अपने 16 साल के बेटे और 10 साल की बेटी के साथ रहती थी। तो वहीं बेटे ने मंगलवार रात अपने पिता को वीडियो कॉल करके बताया कि उसने मां की हत्या कर दी है। उसने पिता को शव भी दिखाया। नवीन ने एक रिश्तेदार को फोन करके तत्काल घर भेजा। वहीं पुलिस पहुंची तो घर के अंदर के हालात देखकर दंग रह गई। आपको बता दें कि पुलिस को साधना के शव के पास से नवीन की लाइसेंस पिस्टल मिली। पिस्टल की मैगजीन पूरी खाली थी। इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि बेटे ने मैगजीन की 6 गोलियां मां के ऊपर दाग दी। हालांकि लाश सड़ जाने की वजह से शरीर पर गन शॉट नहीं दिखाई दे रहे थे। पुलिस ने बेटे से काफ़ी पूछताछ की, लेकिन उसने कितनी गोलियां चलाई या नहीं बता पाया। इसके लिए पुलिस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का इंतज़ार कर रही है। पुलिस का ये भी कहना है कि बेटे को मां की किसी आदत से बेहद नफरत थी। इसी हरकत से तंग आकर 1 साल पहले वह घर छोड़कर भाग गया था। वह क्या हरकत थी, इस पर पुलिस ने हालांकि कोई बात नहीं बताई। फिलहाल पुलिस ने बेटे को अपने संरक्षण में लेकर 10 साल की बेटी को नवीन के भाई को सौंप दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।